जिला कारागार में कृष्ण लीला के मंचन के बाद रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि अपराधी मानसिकता को बदलने के लिए जेल में रामलीला के मंचन का फैसला किया गया है। इस रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के कई पात्रों के रूप में हिस्सा लेंगे। वहीं नवरात्रि के पांचवें दिन और दशहरे के दिन रावण वध का मंचन भी किया जाएगा। रामलीला मंचन में जिसने कृष्ण जन्माष्टमी मंचन में भी हिस्सा लिया था, वही अधिकांश कैदी रामलीला के पात्रों की भूमिका निभाएंगे। कई अन्य कैदियों ने भी रामलीला में अभिनय करने की इच्छा जताई है, जिसके बाद कैदी हर दिन शाम को रामलीला की रिहर्सल कर रहे हैं। ये जब रामलीला का स्टार्ट हो जाएगी शहर में भी, तो तभी से जो है यहाँ कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका आदि अक करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो जो भी सामान लगता है, धनुष है, बाढ़ है, वो कारागार में ही हमारे बंदीगण तैयार कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी हम मेरे द्वारा कारागार में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था, उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम देख के जो एक उत्साहित हुए थे, वो भी जो है रामलीला में अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे थे, वो भी जो है इस आजकल रिहर्सल कर रहे हैं और रामलीला के विभिन्न पात्रों का जो है अभिनय वो रामलीला के दौरान करेंगे। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य जो है अपने बंदीगणों का ही मनोरंजन करना है और उनमें देश प्रेम की और भावना जागृत करना, आध्यात्मिक भावना जागृत करना और उनमें अच्छे गुणों का विकास करना हमारा ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। और समय आने पर ये तय किया जाएगा कि किसको, किसी बाहरी व्यक्ति को भी या बाहरी मुख्य अतिथि को भी बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। रुड़की में चर्च पर हुए हमले को लेकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पीड़ितों के परिवार से मिले। उनसे मिलने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भीम आर्मी ने कहा कि संबंध में एसपी से भी बात की गई है और उनसे आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की बात की गई। भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए। जी, हम लोग देर रात्रि हमें पता चला जिस प्रकार से यहाँ सामने आया कि बजरंग दल के लोगों ने चर्च में अंदर घुस के कम 300 से 400 की संख्या में लोग आए और वहाँ पर तोड़फोड़ की, मारपीट की। एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जो बच्चा चर्च में अंदर भी नहीं था, बाहर रोड पर खड़ा होकर देख रहा था, उसे भी, देखने वाले को भी बुरी तरह से मारा। ये सरासर गुंडाशाही है और ये गुंडाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सरकार का संरक्षण है और यहाँ के भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, तब जाकर बजरंग दल जो है कमजोर और मजलूम लोगों पर हावी हो रहा है। और कमजोर और मजलूम लोगों की आवाज़ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग कमजोर और मजलूम के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लास्ट तक लड़ेंगे जब तक इन लोगों को जेल ना भिजवा दें। ये पहले धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन का इस्तेमाल करके मौलाना कलीम को अरेस्ट किया गया। जब वहाँ पर लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया तो अब ये हरकत यहाँ की गई है, हिंदू वाहिनी के बजरंग दल के लोगों को इकट्ठा करके और गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। आज ये चर्च पे हमला कर रहे हैं, कल किसी मस्जिद पे हमला कर सकते हैं। इन लोगों को रोके जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। टिहरी राजमाता सूरज कुंवर शाह का नई दिल्ली स्थित आवास में निधन हो गया। राजमाता के आकस्मिक निधन की खबर से टिहरी जिले में शोक की लहर दौड़ गई। राजमाता के पति स्वर्गीय महाराजा मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट से 8 बार सांसद रहे थे। वर्तमान समय में इसी संसदीय सीट से उनकी बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद हैं। राजमाता का अंतिम संस्कार आज ऋषिकेश स्थित पूर्णानंद घाट पर किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ ही घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक विनोद कंडारी समेत तमाम मंत्री पूर्णानंद घाट पर मौजूद दिखे। केदारनाथ धाम के लिए अब यात्री हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। धाम के लिए 6 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि आए दिन मौसम खराब होने से शाम के समय हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान नहीं भर पा रही है। केदारनाथ धाम के दर्शनों पर आने वाले यात्रियों के लिए हेली सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। अब धाम के लिए 6 हेली सेवाओं की अनुमति मिल चुकी है। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं वो अब हेली सेवाओं से भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। हेली सेवाओं के चलने से केदार घाटी में भी रौनक लौट आई है। धाम के लिए फिलहाल आर्यन, थम्बी, क्रिस्टल, हिमालयन, एरो और पवन हंस हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं।
लगभग 6 हेली सेवाएं अपनी सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी के जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ से उपलब्ध करा रही हैं, और इसमें करीब 120 से 150 160 इसके प्रकार से यात्री जिनके पास यात्रा ई पास है वो अपनी हेली के माध्यम से जो जाना चाहते हैं वो लोग डेली बेसिस पे जा रहे हैं। वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में कार्य कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में न केवल बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं बल्कि क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क में भी जुटे हुए हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितैषी योजनाओं को बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी जन जन तक पहुंचाकर बीजेपी के हित में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने इस मामले में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी आलाकमान जिस किसी से भी उम्मीदवार को पार्टी से टिकट देगा उसका सभी बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव में साथ देंगे और उसे जीत दिलाने का काम करेंगे। देखिए, लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और सरकार में भी तराई बीज विकास निगम का मैंने दायित्व का निर्वहन किया है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता और सिपाही हूँ। लंबे समय से जो है कि मैं क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ, जनता के सुख दुख में उनके साथ में खड़ा हूँ। इसलिए जैसे भी पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि हम पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी, एक अनुशासित पार्टी, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सबको स्वीकार होगा, पार्टी जिसको भी तय करेगी, क्योंकि ये पार्टी तय करती है किसको कहां से लड़ना है और किसको लड़ना है। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों की मौत मामले में पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने जा रही प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की तरफ से किए गए दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए नाराज चमोली कांग्रेस संगठन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तारी दी है। चमोली में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक चमोली के सामने सरकार का विरोध जताते हुए 29 कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही के रवैये के साथ जन आंदोलनों को खत्म कर रही है और प्रशासनिक अमले को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, ऐसा कहना है पूर्व काबीना मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जो आज गिरफ्तारी दी है उनका। देखिए, हमारी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आदरणीय प्रियंका जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको रोका, धक्के मुक्के किए और उनको उत्पीड़ित जो परिवार था, जिस परिवार के तमाम लोग, कई लोगों के मौत के घाट उतर गए हैं, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, उनको मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए हमारी आदरणीय प्रियंका जी जा रही थी और लखीमपुर के पास उनको रोक दिया गया। इसलिए जब उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया गया तो फिर हम उनके कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में, देश में ही हम लोगों ने भी एक मेमोरेंडम बनाया और हमने मांग पत्र के माध्यम से आग्रह किया कि जो आरोपी है जिन्होंने किसानों के साथ इस तरह का उत्पीड़न किया उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए और हमारी प्रियंका जी के साथ जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके समर्थन में हम जनपद चमोली के तमाम कांग्रेसी ने पुलिस अधीक्षक चमोली के कार्यालय में आज गिरफ्तारियां दी। चमोली में माउंट त्रिशूल हादसे के बाद थल सेना और वायुसेना की तरफ से चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर आज नौसेना के वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने प्रेस को विस्तृत जानकारी दी है। वाइस एडमिरल ने कहा कि स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना की वेस्टर्न नेवल कमान ने INS त्रिशूल टू माउंट त्रिशूल अभियान को संचालित किया था, जिसका 3 सितंबर को नौसेना मुख्यालय से फ्लैग ऑफ किया गया था। इस अभियान दल को 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच त्रिशूल पर्वत पर समिट करना था। उन्होंने आगे कहा कि समिट की तारीख के दौरान मौसम और तापमान भी अनुकूल था, लेकिन समिट से ठीक पहले एवलांच आने से अभियान दल के 5 पर्वतारोही और 1 शेरपा एवलांच में दब गए। वाइस एडमिरल बेरी ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद थलसेना और वायुसेना ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित कर 48 घंटों में 4 पर्वतारोही के शव ढूंढ निकाले हैं। चारों जाबाज पर्वतारोहियों के पार्थिव शरीरों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये जो
एक्सपीडिशन था वो स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में वेस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट किया था। इसका था नाम था त्रिशूल, फ्रॉम INS त्रिशूल टू माउंट त्रिशूल। INS त्रिशूल एक हमारा जहाज है जहाँ से ये एक्सपीडिशन 3 सितंबर को वेस्टर्न नेवल कमांड से फ्लैग ऑफ किया गया और उन्होंने 1, 2, 3 अक्टूबर के बीच में स्केल करना था माउंट त्रिशूल को और उसके बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में वापस लौटना था। जिस दिन ये एक्सपीडिशन ने स्केल करने लगे समिट, उस दिन का मौसम और उस दिन का तापमान वगैरह सब बहुत अच्छा था और क्लाइम करने के लिए सबसे बढ़िया समय था उनके पास, पर अनफॉर्चुनेटली एक एवलांच की वजह से ये एक्सपीडिशन की जो पहली टीम हमारी ऊपर चढ़ रही थी उसमें हमारे 5 वीर साथी और 1 शेरपा उसमें मिसिंग हो गए। भारतीय सेना और वायुसेना के सहयोग से हम लोगों ने जो मिसिंग हैं उनको 4 जनों को रिकवर कर लिया है, 4 साथी हमारे रिकवर हो गए और उनके परिवार के साथ उनको मिला दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे की ओर से कार से कुचलकर किसानों की हत्या और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में SSP कार्यालय हरिद्वार का घेराव कर धरना दे रहे जिले के 3 कांग्रेसी विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांकेतिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था। वहां से उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया और बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, कलियर विधायक फुरकान अहमद और भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक रोशनाबाद पहुंचे थे और काली पट्टी बांधकर कांग्रेस कार्यकर्ता SSP कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत और SDM पूरण सिंह ने विधायकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की पर धरना समाप्त नहीं हुआ। इस पर पुलिस ने 3 विधायकों समेत पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वरुण बालियान, पूर्व पार्षद अमन गर्ग समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लखीमपुर खीरी में कल एक ऐसा दर्दनाक हादसा देश ने देखा है। हमने जनरल डायर को किताबों में पढ़ा है लेकिन कल आज़ाद भारत ने जनरल डायर की एक छवि इस देश ने देखी जो बहुत दुखद है। और गांधी जयंती के अगले दूसरे दिन इस तरह का कांड होना, देश आहत है। और हम वहां पर अगर विपक्ष के नेता उस परिवार से जिसको दुख पहुँचाया गया, जिन परिवारों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जी गईं, उनका दुख बांटने के लिए और हमारे राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुँचे, उनको रास्ते में गिरफ्तार किया गया, तो इसकी हम निंदा करते हुए यहाँ पर उस पूरे प्रकरण पूरे कांड का विरोध करने के लिए हमारे सम्मानित विधायक जी ममता राकेश जी, फुरकान जी, चेयरमैन साहब रहे ब्रह्मचारी जी, हमारे बड़े मुरली जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, हम सब लोग यहाँ पर हम बैठे हैं। जो आज हम SSP कार्यालय के सामने हमारे साथ में काजी निजामुद्दीन जी, ममता राकेश जी, सतपाल महाराज जी, चौहान साहब और यहाँ पर सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर आए, क्योंकि जो हमारे किसान भाइयों पर लखीमपुर खीरी में 8 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक किसान अपनी बात करें, आज 10 महीने से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर अपनी ठीक तरह जब अपनी मांग उठा रहे हैं तो उनके ऊपर एक केंद्रीय मंत्री का लड़का उन पर गाड़ी चढ़ाता है और मौत के घाट उतार देता है। उसी को लेकर आज यहाँ पर हम अपने साथियों से ही धरने पर बैठे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के साथी जिम्मेदार साथी और जिम्मेदारी के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। जिस तरह की विभत्स घटना कल लखीमपुर खीरी में पूरे देश को देखने के लिए मिली, परसों पूरे देश ने बहुत गर्व के साथ गांधी जयंती मनाई जिसमें जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई। एक सत्यवादी थे, अहिंसा के रास्ते पर चल करके पूरे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, गुलामी से की जंजीरों को तोड़वाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अहिंसा को छोड़ते हुए हिंसावादी रास्ता अपना करके एक जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जिस तरह से अन्यायपूर्ण घटना हुई उससे हम आहत हैं, पूरी तरीके से आहत हैं। लखीमपुर की घटना के संदर्भ में यहाँ पे जो माननीय विधायक हैं कांग्रेस के जनपद के, ये यहाँ पर कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और मैं इनसे जस्ट उनके सब माननीय विधायक गण हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत इनसे जस्ट मिलने के लिए वहाँ पर चला गया था। बाकी जो उनका धरना है वो उनके विषय से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया।
हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंची प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से कल लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, मंत्री के बेटे ने जिस तरह से अमानवीय कृत्य करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, हमारे किसान जो दिवंगत आत्मा है उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, समस्त हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण आक्रोश में है। उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और अभी 1 बजे जिला मुख्यालय, पुलिस के जिला मुख्यालय में सभी लोग अपनी गिरफ्तारी इस विरोध में देंगे। तो वहीं लखीमपुर में हुए बवाल की आंच कुमाऊं में पहुंचने की आशंका को देखते हुए डीआईजी कुमाऊं ने सभी कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खासकर उधम सिंह नगर में किसानों के आक्रोश को लेकर पुलिसकर्मियों से कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही डीआईजी ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि किसानों से लगातार बातचीत कर उनकी मांगों को भी गंभीरता से सुना जा रहा है। कुमाऊं मंडल में पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही पीएससी को भी रिजर्व पर रखा गया है। अभी कुमाऊं में शांति व्यवस्था फिलहाल कायम है। कुमाऊं क्षेत्र में विशेषता तराई रीजन में है, जितने भी जो सिख हमारे बंधु है उनसे हम लगातार वार्ता में है, उनसे जो जो भी हमारी डिस्कशन है वो सकारात्मक है और उनकी जो भी मांगे है या जो भी उनकी उनका कहना है वो गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है और जो है इसमें कोई यहाँ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है और स्थिति जो है सामान्य है सभी जी। तो वहीं केदारनाथ में दर्शन के लिए बिना ई पास के आ रहे यात्रियों के लिए सोनप्रयाग में वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को तुंगनाथ, कालीमठ आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भेजा रहा है। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ज्यादातर तीर्थयात्री बिना ई पास के ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में ई पास वाले अधिकांश यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। कई तीर्थयात्री जबरन सोनप्रयाग तक पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग तक पहुंच रहे यात्रियों के लिए प्रशासन ने वेटिंग रूम की व्यवस्था भी की है। ये हम लोगों ने सोनप्रयाग पे एक वेटिंग का लिस्ट भी जारी करवा दी है। उसमें जैसे ही लोग आ रहे हैं, अगर कोई ई पास के बिना आया है तो हमने उसका एक वेटिंग लिस्ट बना दी है और जो ई पास वाला जो नहीं आता है, यदि कोई गैप रहता है तो उसके सापेक्ष उनको उतने लोगों को निकलने का लिए परमिशन कर दी जाती है, ताकि जो ओवरऑल पूरी संख्या है वो कोर्ट के निर्देशानुसार सीमित रहे। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न चेक पोस्टों पर निर्देश कर दिए हैं कि जो भी यात्री इस प्रकार से आ रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको सूचना दी जाए, उनको ये भी बताया जा रहा है कि आप अलग विभिन्न स्थल जो हैं जनपद के वहाँ पर क्या अगर उनको अपना तीर्थाटन करना है। और भी हमारे यहाँ पे तुंगनाथ जी का मंदिर है और भी कई इस प्रकार के स्थल हैं, वहाँ भी जाया जा सकता है। और उनसे यही निवेदन किया जा रहा है कि कृपया जो भी SOP शासन के द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा लागू करी गई है उसका स्वयं भी पालन करें और हमें भी सहयोग करें कि हम उसका पालन करवा पाएं। मेलकसर में आज उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लक्सर तहसील कार्यालय पहुंचे। तहसीलदार लक्सर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटी घटना में जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। श्री SDM महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया है जिसमें लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के साथ बर्बरता में किसानों की हत्या की गई है, उनमें हम चाहते हैं कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो वहाँ के पीड़ित हैं उनको एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार को। यह है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ उत्पीड़न किया गया है, जोर जबरदस्ती करके उनको कुचला गया है और वो अपनी जायज मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए हम चाहते हैं कि
जिन्हें जो दोषी हैं उनको अधिक से अधिक सजा दी जाए और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिया जाए। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और प्रदेश की महिला अध्यक्ष सरिता आर्य और मंडल अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल के नेतृत्व में पंथ चौराहे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद पार्टियों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग भी की है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी में आक्रोश बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई हिंसा के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर तहसील में धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध स्वरूप मौन व्रत भी रखा। कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, सरेआम किसानों की हत्या कर दी जाती है और अगर कोई किसानों के समर्थन में जाता है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और उत्तर प्रदेश में और साथ साथ उत्तराखंड में भी ये घमंड से भरी सरकारें जो कि किसानों को उनके मुद्दों पर जो वो केंद्र सरकार के एक्ट का विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे किसानों को भारतीय जनता पार्टी के घमंडी नेताओं के द्वारा गाड़ियों से कुचला जाना मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक कालिक के समान है। जब तक ऐसे नेताओं को कठोर से कठोर सजा नहीं दी जाती और वो कठोर से कठोर सजा जान की एवज में जान मतलब फांसी की सजा जब तक ऐसे निकम्मे लोगों को ऐसे दम्भी और घमंडी लोगों को जब तक नहीं हो जाती तब तक हमारा ये भावना ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का किसानों के प्रति हमारी सद्भावना ये जारी रहेगी। चमोली में विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही THDC कंपनी की मुसीबत है कि कम नहीं हो रही। आज हाट गांव के परियोजना प्रभावितों ने कंपनी के मुख्य गेट पर अनशन शुरू कर दिया जिसके चलते ग्रामीण हाथों में नारे लिए तख्ती लेकर हाट गांव के प्रभावित गेट पर पहुंचे। गांव के ग्राम प्रधान और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र हटवाल के नेतृत्व में प्रभावितों ने यहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान राजेंद्र हटवाल ने कहा कि THDC ने हाट गांव में आवासीय भवनों को ध्वस्त कर दिया है, ग्रामीण जगह जगह भटक रहे हैं, अभी तक कंपनी की ओर से प्रभावितों को आवास की सुविधा नहीं दी गई है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कंपनी के अधिकारी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ घटना के बाद किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके चलते रुड़की और आसपास के किसान संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की गाड़ी से रौंदने के बाद 5 किसानों की मौत हो गई थी जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने NH-58 पर चक्का जाम किया, यूपी सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों ने SDM कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर आरोपी युवक की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। सितारगंज में लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसक झड़प की कवरेज कर रहे पत्रकार की मृत्यु पर मंडी सभागार में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के नगर संगठन के पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि पत्रकार रमन कश्यप किसान आंदोलन के दौरान समाचार संकलन कर रहे थे, हिंसा की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।